नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से ये केसरिया सागर मेरे सामने उफान पर नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ ना जाए, बह ना जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहने, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन, ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है, ये आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई है। बहनों, ये राजनीतिक दल तो पहले भी थे, 2014 के चुनाव में भी थे, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों का गुस्सा अभी जितना नजर आता है, पहले कभी इतना गुस्सा नजर आता था? मोदी पे इतना गुस्सा करते थे, मोदी को इतनी गाली देते थे, ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, बेईमानों के प्रति उदासीनता रखने वाले बेईमानों को प्रश्रय देने वाले, गुनहगारी को बढ़ाने वाले, या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है।